हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और क्लास है फोर्थ क्लास का ये पेपर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले है सीन पैसेज, यानी कि सीन पैसेज होता है आपकी बुक से ही होता है, उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। तो इसको रीड करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। एवरी वन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर, बट ऑल दे कुड से was there is nothing more we can do. The baby may not live. Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. तो इस पैसेज को हमने पढ़ लिया है, ये आपकी बुक से है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द नेम ऑफ सीजन एंड ईयर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो ये सीजन हो गया समर, समर एंड ईयर कौन सा है, समर ऑफ 1880। वेयर वॉज द बेबी गर्ल बॉर्न, इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा। तो इसको लिख देंगे अलबामा। नेक्स्ट, What was the name of the baby girl? The name of baby girl was Helen Keller. H-E-L-E-N, Helen, K-E-L-L-E-R, Helen Keller. What happened to Helen one day? One day, she became ill. वह बीमार पड़ गई। What did everyone in the family say about Helen? सारे उसके बारे में क्या बोलते थे? तो आप इसको लिखेंगे There is nothing more we can do. The baby may not live. ये उसके बारे में बोलते थे। इसको यहाँ पर लिख देंगे पूरा का पूरा इनवर्टेड कॉमास जो भी लिखा हुआ है। अगला है What was wrong with Helen? हेलन के साथ गलत क्या था, क्या हो गया था उसको? Helen could not see or hear, वह सुन और बोल नहीं सकती थी। What was Helen suffering from? Helen को कौन सी बीमारी थी? She was suffering from fever, उसको फीवर हो रहा था। नेक्स्ट, हु लव्ड हेलन डियरली, हेलन को बहुत ज़्यादा प्यार कौन करता? तो यहाँ पर देख सकते हैं हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, लिखेंगे यहाँ पर हर पेरेंट्स। नेक्स्ट, फ्रॉम द पैसेज फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ फाउंड। फाउंड का राइमिंग वर्ड क्या होगा आपको पैसेज से देखना है और बताना है। तो ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह का कोई वर्ड है ही नहीं, तो हो सकता है इसमें कुछ वर्ड दूसरा हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक द सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड। समर से आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट है अनसीन पैसेज, तो इसको भी पढ़ना है और इसके आंसर देना है। वंस फोर बुल्स लिव्ड इन अ फील्ड, The other animals did not fight with them. Even the lion dared not fight them. If he fought with one bull, the other three would also join in. They were very united. The lion made a plan. He went to each one separately and told them that the other three bulls ate more grass than he. He said, You hardly eat your share. They gobble up so much of grass. The bulls began suspecting each other. They were no longer friends.
This was what the lion wanted. One day he sprang upon one of the bull and ate him up. The other bulls did not help him. Next week he sprang upon other, and thus slowly every week he killed one bull because bulls did not help each other. Finally the lion had killed and eaten all of them. तो एक स्टोरी है जिसमें तीन बुल होते हैं, वो अलग अलग एक साथ मिलकर रहते हैं और उनको कोई भी जानवर उनसे लड़ता नहीं, अगर कोई लड़ता भी था तो उसको वो क्या करते थे, मिलकर उसको उससे लड़ते थे। अब एक जो लायन था वो क्या करता है, इनको खाना चाहता है, लेकिन वो इन तीनों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक प्लान बनाया उन तीनों को कैसे अलग किया जाए और उनको अलग कर दिया। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Where did the bull lives? Bull कहाँ रहते थे? तो ये लिखा हुआ है Bulls lived in a field. In a field. Next है How many bulls were there? Were united? Three bulls. Three bulls. Next, why was lion afraid of fighting four bulls? Sorry, यहाँ पर होगा four bulls. Four. Four bulls. Why was lion afraid of fighting four bulls? जो lion था वो चार जो bulls थे उनसे लड़ने से क्यों डरता था? They were united. They were very united. वो बहुत ज़्यादा united थे, मिलकर रहते थे। What did lion say to bull? All bulls separately. उसने जो lion था उसने सारे जो बुल्स थे उनसे अलग अलग क्या कहा? तो उसने कहा अदर थ्री बुल्स आर एट मोर ग्रास देन ही। उसने कहा अदर थ्री बुल्स एट मोर ग्रास देन यू, ऐसा उसने बोला। What did the lion make? तो इसका होगा lion made a plan. Who began suspecting each other? The bulls. जो bulls थे उन वो एक दूसरे पर suspect करने लगा। Began suspecting. Suspecting each other. Next है what lesson did this story tells us teach us? This story teaches lesson that we should live in unity. हमें एक साथ यूनिटी में रहना चाहिए। Find the word in the passage which means strength to do something. Strength किसी काम को करने के strength के लिए meaning बताना है, passage में क्या आया है, word बताना है, तो इसमें हो जाएगा dare. Write opposite of the following word from passage. इसका fast का हो जाएगा slowly. Next है write the past tense of the following word from the passage. Fight का FOUGHT fought. किल्ड का किल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राइटिंग पार्ट। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वुड द चाइल्ड कीप द डोंकी? बच्चे ने डोंकी को क्या दिया, चाइल्ड डोंकी को क्या देता? तो चाइल्ड डोंकी को हे एंड कॉर्न। द चाइल्ड वुड गिव A and corn to the donkey. Neha's clock ring 6 o'clock in morning. नेक्स्ट है हु एग्रीड टू हेल्प हेलन?
हेलन की हेल्प करने के लिए कौन तैयार हुआ? तो उसकी जो मिस सुलेवन थी वो तैयार हुई थी, मिस सुलेवन। सुलेवन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैजिशियन? मैजिशियन का क्या नाम था? द नेम ऑफ द मैजिशियन वाज जमाशा। द पोनी इज अ इज अ बेबी हॉर्स। ग्रामर, री राइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर सिस्टर लिखा हुआ है तो इसका जेंडर चेंज करना है और फिर सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिस्टर की जगह पर हम लिख देंगे ब्रदर, BROTHER ब्रदर, और पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे। फिर है माई सन इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर लिखेंगे माई DAUGHTER डॉटर इज गोइंग टू मार्केट। क्या किया हमने यहाँ पर? यहाँ पर सन की जगह पर डॉटर कर दिया। यूज वॉज और वर इन द ब्लैंक स्पेस। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही वर गोइंग टू, यहाँ पर क्या आएगा? ही वॉज आएगा। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पर आएगा वर। राइट द अपोजिट्स फॉर द फॉलोइंग बाई एडिंग अन और एम। प्योर में क्या लगाएं कि वो अपोजिट हो जाएगा प्योर का, इम्प्योर या अनप्योर, तो वो लगाते हैं इम्प्योर, इम्प्योर। इम्पॉर्टेंट में क्या लगाएं? अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है गिव द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। सिंक का राइमिंग वर्ड क्या होगा? ब्लिंक। सेल का नेल। फिर है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ क्वेश्चन एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये इन वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि ये क्वेश्चन बन जाए, तो देखते हैं। तो इसमें बनेगा कैन ही रीड द टाइम, क्या वो टाइम को पढ़ सकता है। फिर है सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हरी वेंट टू अ वंडरफुल प्लेस, तो यहाँ पर क्या करना है? जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसको सर्कल करना है, वंडरफुल प्लेस, तो ये हो गया वंडरफुल। गोड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, लीव्स की डिस्क्राइब किससे किया? गोल्ड लीव्स, तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्ड को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idioms, तो इसका हो जाएगा मोस्ट लवेबल, मोस्ट लवेबल। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है अ स्टॉर्म, स्टॉर्म सॉरी स्टॉर्म विद विंड एंड हैवी रेन, तेज हवा के साथ जब बारिश होती है उस तूफान को क्या बोलते हैं? रेनिंग कैट एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग। फिल इन द ब्लैंक टाइनी टिनियर, और फिर हो जाएगा टिनियस्ट। बिग बिगर बिगेस्ट। फिर नेक्स्ट है कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड बट। राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, तो ये दो सेंटेंस दिए गए, इनको आपको बट या एंड से ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको बनाएंगे राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, HOCKEY हॉकी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक ही सेंटेंस बना दिया दोनों को मिलाकर, एंड का यूज किया है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज ऑब्लिक आर। ही शी इज स्विमिंग और सी आर स्विमिंग, तो यहाँ पर होगा इज। शिवा एंड हरी डैश द बेस्ट फ्रेंड, शिवा एंड हरी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। सर्कल द साइलेंट लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। कुड में साइलेंट क्या होता है? एल होता है। टॉक में एल होता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड डिडंट
स्टूडेंट, तो इसका हो जाता है डिड नॉट, और इसका हो जाता है शुड नॉट, SHOU शुड नॉट। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड, एग्जाम्पल गुड नाइट, गुड नाइट हो गया ऐसे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा BREA के ब्रेक और फास्ट मिला के हो जाएगा ब्रेक फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डैश पेस्ट, अब क्या होगा यह इसको बताना है, तो ये हो जाएगा टूथ प्लस पेस्ट, क्या हो जाता है टूथ पेस्ट, टूथ पेस्ट। नेक्स्ट है पंक्चुएट द सेंटेंस, राहुल इज अ गुड बॉय, तो इसको सही से लिखना है, राहुल में आर कैपिटल रहेगा, राहुल इज अ गुड बॉय, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वाओ, संजूज मदर हैज़ कुक्ड सच अ डिलीशियस फूड, तो यहाँ पर आएगा वाओ एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर संजूज मदर MOTHER मदर हैज कुक्ड सच अ डिलीशियस सीएस फूड, और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग राइट वर्ड, देयर वॉज मैन ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज, ये हो गया। फिर है क्रिएटिव राइटिंग, इसमें है राइट फाइव सेंटेंस अबाउट माई फेवरेट गेम, तो आपको अपने फेवरेट गेम के बारे में फाइव लाइन्स लिखने हैं, फाइव सेंटेंस लिखने हैं, तो कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए लिखेंगे माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट इन आवर स्कूल, हम स्कूल में खेलते हैं फॉर क्रिकेट वी मस्ट हैव अ बैट एंड बॉल, 1, 2, 3 हो गए। फिर इसके बाद फोर्थ लिखेंगे क्रिकेट इज अ सिंपल गेम, क्रिकेट इज अ सिंपल गेम। फिफ्थ लिखेंगे ओनली 11 प्लेयर्स कैन प्ले फ्रॉम वन टीम, तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। फिर आगे राइट अ पैराग्राफ अबाउट माय फेवरेट फ्रूट, ऐसे आपको फेवरेट फ्रूट के बारे में कुछ लिखनी है लाइंस फाइव। फिर आगे देखते हैं राइट फाइव सेंटेंस अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, तब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है उसके बारे में आपको फाइव सेंटेंस लिखना है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, देयर इज़ अ ट्रेन इन द पिक्चर, One rabbit is waiting off for train. There is 5 written on the last coach of the train. On the train. Phir next hai. A deer also wants to ride on train. To is tarah se aap kuch jo bhi kuch aapko likh dikh raha hai usme aap sentence bana sakte hain. Phir iske baad mein spelling part. Isko pura karte hain. Phir पढ़ते हैं इसको, मेक मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम जम्बल्ड लेटर्स, अ किड, किड के बारे में एक ये कुछ स्पेलिंग दी गई है इसको सही से लिखना है, तो इसमें हो जाएगा BABY बेबी। फिर है एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, मैजिशियन की स्पेलिंग कौन सी सही है उसको बताना है,
मैजिशियन, तो ये वाला सही है, इसको सर्कल कर दिया। फिर फनी की स्पेलिंग होती है FUNNY। नेक्स्ट है यूज़ डबल ई और ई ए टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। प्लीज़, प्लीज़ में क्या था, PLEASE, तो इसका यूज़ कर लिया। फिर है मीट, MEET, मीट, डबल ई का यूज़ कर लिया। फिर है नेक्स्ट राइट टू मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड हिप्पोपोटेमस, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉट, पॉट लिख दिया। फिर MAT, मैट, मैट लिख दिया, तो दो ही दिखने हैं बस, तो लिख दिए हैं। राइट द मिसिंग लेटर इलनेस। फिर ये है रेन, DROP, ड्रॉप, एस रेन ड्रॉप्स। फिर है मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, वर्ड्स बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया प्लेयर, यहाँ से आपको एक लेटर हटाना है और नया वर्ड बनाना है, वो क्या बनेगा, प्लेयर से पी हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, LAYER, लेयर बन जाएगा। क्लैप से सी हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, LAP, लैप। तो इस तरह से हमें क्या बनाना था, नए वर्ड बनाने थे। फिर है लास्ट में हैंड राइटिंग पार्ट, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको अच्छी राइटिंग में इसमें यहाँ पर लिखना है। तो ये था हमारा आज का पेपर, सैम्पल पेपर क्लास 4th का इंग्लिश का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, इस तरह का आपका पेपर रहने वाला है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।